हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइज जो टॉप कॉइन की लिस्ट है उसको। इसमें हमने पहले जो प्रीवियस कॉइन डिस्कस की है उनके साथ क्या सिनेरियो है, क्या आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है उसको डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस रिस्क मिनिमाइजेशन टेक्निक्स एंड प्रॉफिट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऑल्सो। सो बेसिकली उनको अलग से क्रिएट करने की बजाय हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि एक साथ एक रिलेवेंस में वीडियो क्रिएट हो जाएगी। ये डिस्क्लेमर मैंने पहले भी पुट किया था और मैं फिर से पुट कर रहा हूँ कि जरूरी इसलिए है बिकॉज बाद में चल के फिर इसकी वजह से इश्यू क्रिएट होते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए कंसिडर करोगे। क्रिप्टो पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड स्पेस है और यहाँ पे कोई भी कॉइन कभी भी जीरो जा सकता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मेरे कहने मात्र से आप किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करोगे। यू विल बी सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ध्यान में ना रखे आप अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है वो लगा लेते हो, तो मैं वो पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। किसी भी कॉइन में जो सिनेरियो है वो चेंज होता है, यानी डेवलपमेंट के साथ और विद नो डेवलपमेंट ऑल्सो। यानी ऐसा हो सकता है कोई कॉइन हो जो आज की डेट में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो और आगे चल के वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाए, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आज की डेट में वो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना हो बट फ्यूचर डेवलपमेंट की वजह से एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाए। और ये चीज डिपेंड करती है डेवलपमेंट पर। अगर प्रोजेक्ट में एक्टिवली डेवलपमेंट होता है, कोलेबोरेशन होते हैं, पार्टनरशिप होती है, तो प्रोजेक्ट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता है। लेकिन इसका रिवर्स, अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होता तो एक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन जाता है। डेवलपमेंट जो पार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम सिर्फ रिलाई करते हैं जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो वेबसाइट पे, प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, या फिर थर्ड पार्टी कुछ टूल्स हैं जिनसे हम यूज करके रिसर्च करते हैं उस पर डिपेंड करेंगे, या फिर प्रोजेक्ट के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी या मीडियम पेज से उस पर हम रिलाई करेंगे। सो बेसिकली, और वी कैन सी द गिटहब पेज ऑल्सो, अगर सब कुछ प्रोजेक्ट वहां पर अपडेटेड होता है, सबका नहीं होता है। तो बेसिकली इन टूल्स पर हम रिलाई करते हैं फॉर द ओपिनियन। उसका ओपिनियन जो फॉर्म होता है अगर आगे चल के उसमें उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है तो चीजें बदल जाती हैं। सो आपको कोई गारंटी या फिर कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दे सकता कि ऐसा ही होगा। सो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये क्रिप्टो है, यहाँ पे आपको उतना ही पैसा डालना चाहिए विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। एक और पर्टिकुलर रिस्क रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी हैक हो सकता है। हैक होने से मेरा मतलब है कि पोटेंशियल, अगर आप देखोगे तो जिन प्रोजेक्ट्स में ब्रिजेस अवेलेबल होते हैं, ब्रिजेस कंपेरेटिवली ज्यादा प्रोन होते हैं हैक के लिए कंपेयर टू नॉर्मल। अगर आप देखोगे नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्प्रोमाइज होना या फिर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्प्रोमाइज होने के कंपेरिजन में, साथ में क्रॉस चेन लिक्विडिटी कई बार अवेलेबल होती है और उसमें भी कई इश्यूज आ जाते हैं, और ऐसे इश्यूज जो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यू हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी चेन। मल्टी चेन के साथ क्या हुआ था, मल्टी मिलियन डॉलर एकदम से उसमें से डाउन गए थे, लाइक मोर देन 220 मिलियन डॉलर, एंड उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अफेक्ट हुए थे क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। सो इस तरह के रिस्क भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व रहते हैं। इसकी वजह से भी कोई प्रोजेक्ट काइंड ऑफ लाइक ऐसा समझ लो, पहले उसका सिनेरियो कुछ और हो, बाद में कुछ और हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, स्कैम हो जाना भी काफी कॉमन होता है, और प्रोजेक्ट्स के साथ भी स्कैम होते हैं और यूजर्स के साथ भी स्कैम होते हैं, आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ भी स्कैम होते हैं। सो ये भी एक चीज है जो क्रिप्टो में रहती है, जिसकी वजह से भी आप इवन कितनी मेहनत करोगे आपका सारा इन्वेस्टमेंट नियर टू जीरो हो सकता है, और लाइक ऐसा समझ लो कुछ भी ना बचे, बिकॉज अगर आपका पोर्टफोलियो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या वॉलेट, आई मीन लाइक वॉलेट होता है या फिर एक्सचेंज भाग जाते हैं, बहुत सारे तरह के इस तरह के ड्रामे होते हैं क्रिप्टो में, आपको उसके लिए भी अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल कोई कॉइन इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, दीज आर द सिनेरियोज, तो वो पोटेंशियली अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे इट जस्ट एन स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ, आप ऐसा समझ लो प्रोजेक्शन है, यू कैनॉट टेक इट फॉर गारंटी, मतलब गारंटी कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्रिप्टो में आपको कोई भी गारंटी प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, अगर दे रहा है तो यू शुड गो फॉर दैट पर्सन, बिकॉज मुझे नहीं लगता क्रिप्टो में आपको कोई भी गारंटी का प्रमाण पत्र दे पाएगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। यू कैनॉट से कि यू हैव डिस्कस दिस कॉइन, आई हैव इन्वेस्टेड एंड दिस हैज हैपेंड। आप अपनी अच्छी तरीके से रिसर्च करो। अगर कोई कॉइन डिस्कस करा जा रहा है उसके पीछे कुछ रीजन दिए जाते हैं, अगर आप उनसे एग्री करते हो और आपको अगर अच्छा लगता है
यू माइट गो फॉर दैट ऑप्शन कि जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहो। और अगर आपको नहीं ऐसा समझ में आता है, आपका अगर ओपिनियन कुछ और है एंड अगर आपको किसी और के ओपिनियन से एग्रीमेंट ज्यादा बेटर फील और मतलब ज्यादा बेटर आपका एग्रीमेंट हो पा रहा है, जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन, जो भी आपके लिए बेहतर हो। इस ऑप्टिमाइजेशन में जो की पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम डिस्कस काफी शॉर्ट में करेंगे लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा, लेकिन काफी डीप रिसर्च करने के बाद ये ऑप्टिमाइज करके बता रहा हूँ। सो बेसिकली पहले नहीं था लेकिन लेटर ऑन अभी हम देख रहे हैं फुल स्विंग में आरडब्ल्यू नैरेटिव, जहां पर रियल वर्ल्ड असेट्स यानी टोकनाइजेशन ऑफ फिजिकल असेट्स काफी एकदम स्विंग में है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली जो लिमिटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल वर्ल्ड असेट है उसकी वैल्यू एक बहुत हाई प्राइस पर हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ टोकनाइजेशन उसके एक स्मॉल फ्रैक्शन होल्ड किया जा सकता है। जबकि ऐसा अगर आपको पूरा वो फिजिकल असेट बाई करना हो तो उसके एक बैरियर होगा, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट यू हैव टू पे। बेसिकली आप ऐसा समझ लो जैसे कि एक बड़ी कंपनी है, उसमें आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरी कंपनी खरीद पाओ, तो आप उसकी छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हो बाय बाइंग दे शेयर्स, ठीक है ना। तो जैसा हम शेयर मार्केट में करते हैं, सो टोकनाइज समहाउ, आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बट इससे भी ज्यादा टेक लेवल पे जाओगे तो इस मच मोर एडवांस्ड। सो बेसिकली टोकनाइजेशन ऑफ फिजिकल असेट्स ऑन ब्लॉकचेन, जहां पे वो टेम्पर प्रूफ है, जहां पे वो इजीली वेरीफाइबल है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आरडब्ल्यू नैरेटिव एंड एआई का नैरेटिव काफी ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एआई का नैरेटिव काफी टाइम से है और आगे भी रहेगा। एलोन मस्क की जो कंपनी एक्स एआई, उसने भी अभी रिसेंटली एक एआई का प्रोडक्ट लॉन्च किया था और अभी वो उस पर फिर फर्दर वर्क करेंगे। उसके अलावा भी चैट जीपीटी के आने की वजह से एआई नैरेटिव क्रिएट हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं काफी अच्छा नैरेटिव, और अगले बुल रन में ये डेफिनेटली दो फैक्टर ऐसे अभी दिख रहे हैं ये डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई नया नैरेटिव भी क्रिएट हो सकता है। इससे पहले लाइक अगर आप पास 5 मंथ और 6 मंथ आप देखोगे, कोई भी नहीं बोलेगा कि आरडब्ल्यू नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा। चैट जीपीटी के आने से पहले किसी को नहीं पता था कि एकदम से एआई का नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा, या फिर पहले प्रीवियस बुल रन में मेटावर्स, एनएफटीज, या फिर इससे पहले डेक्स का जो डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन है उसका रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ था। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट अर्लियर, आगे चल के ऐसा भी हो सकता है नया नैरेटिव क्रिएट हो जाए। अगर नया नैरेटिव क्रिएट नहीं होगा तो अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है, हालांकि चेंज हो सकता है आगे, वेब थ्री गेमिंग जो सेकंड स्पॉट ले सकती है नैरेटिव में, यानी आरडब्ल्यू एआई के बाद जो सेकंड मोस्ट डोमिनेंट जो नैरेटिव रहेगा वो वेब थ्री गेमिंग रहेगी, ठीक है। ऐसा अभी से लग रहा है, बाकी नया कोई नैरेटिव भी क्रिएट हो सकता है और हो सकता है वो आरडब्ल्यू एआई से भी ज्यादा डोमिनेट कर जाए। वेब थ्री गेमिंग इसीलिए क्योंकि काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है। आप अगर देखोगे फॉर एग्जाम्पल लाइक एनएफटी, जो एनएफटी वाला फील्ड है, या फिर मेटावर्स वाला फील्ड है, या फिर इवन आरडब्ल्यू है, तो काफी ज्यादा आप इंटरडिपेंडेंसी इसमें देखोगे। इवन अगर फिजिकल असेट्स होते हैं, टोकनाइजेशन वाला पार्ट तो ठीक है, इट विल बी मच मोर एडवांस्ड, बट अगर उसकी डिजिटल ओनरशिप की जब बात आएगी तो एनएफटी ही रोल में आएगी, ठीक है ना। एनएफटी के थ्रू ही हम डिजिटल ओनरशिप, डिजिटल असेट्स की रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली जनरली हम डिस्कस करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसी के रेशियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की क्रिप्टो में डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी इन टर्म ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। एक रफ आइडिया में बता दे रहा हूँ किस तरह से मैंने कंसिडर किया है। अभी अगर टोटल मार्केट कैप देखोगे, होल ओवर मतलब सारे क्रिप्टो कॉइन्स को मिला लोगे, तो उस हिसाब से मैंने $500 मिलियन से ज्यादा का लार्ज कैप में रखा है, 500 और 100 के बीच के जो रेंज है उसको मिड कैप में, और 100 से नीचे वाले स्मॉल कैप में, और $10 मिलियन से नीचे वाले को माइक्रो कैप में, ठीक है। लार्ज कैप में क्या रहता है कि लेस रिस्क रहता है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको लेस मिलता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो और वहां पे आप ये उम्मीद लगा के जो 100x और 200x आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिस्क आपका कम रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, थोड़ा बहुत ही रिवॉर्ड चाहिए, तो आप लार्ज कैप में डाल सकते हो, ठीक है। मिड कैप में मॉडरेट रिस्क रहता है, यानी मीडियम रिस्क रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको मीडियम ही मिलेगा, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होंगे जिनमें ये चीज नहीं अप्लाई होगी, जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं जो टॉप कॉइन के स्पॉट को फिल करते हैं, उनमें हमें बहुत एक्सेप्शनली हाई रिवॉर्ड देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉइन होगा जो आज की डेट में $500 मिलियन की मार्केट कैप से कम होगा, जैसे एक टाइम पे शिबा इनू था, एक टाइम पे डॉज कॉइन था, एक टाइम पे कार्डानो था, सोलाना था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने टॉप स्पॉट फिल किया तो $multi-billion की मार्केट कैप। तो ऐसे कुछ कॉइन्स हो सकते हैं जो टॉप जो स्पॉट है उसको फिल करेंगे,
वो मल्टी बिलियन डॉलर के मार्केट कैप अचीव कर लेंगे। एंड उन केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि वो मॉडरेट रिवॉर्ड देंगे, वो एक्सेप्शनली हाई रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कैप में हाई रिस्क रहता है लेकिन रिवॉर्ड भी हाई रहता है, और अगर आप माइक्रो कैप की बात करोगे 10 मिलियन डॉलर से कम मार्केट कैप वाले, तो उनमें एक्सट्रीम हाई रिस्क और एक्सट्रीम हाई रिवॉर्ड का सिनेरियो बनता है, ठीक है ना। सो यू कैन से लाइक वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड सिनेरियो। सो स्मॉल कैप, अब यहाँ पे बात आती है जब स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है तो हम इनको डिस्कस ही क्यों करें। देखो ये आप सब पर्सन की चॉइस होती है, कुछ पर्सन होते हैं वो सिर्फ स्मॉल कैप में ही इंटरेस्टेड होते हैं, उनको ज्यादा बड़े कॉइन्स में नहीं डालना होता, उनके पास कैपिटल कम होती है, तो उनका ये रहता है आइदर ये रहेगा कि आइदर मेक इट और ब्रेक इट, तो या तो उनका बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा या फिर डूब ही जाएगा उनका, ठीक है। कुछ का रहता है कि उनको मॉडरेट रिस्क ही चाहिए होता है, तो वो मिड कैप में ज्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ अपना लार्ज कैप में प्रेफर करते हैं जिनके पास बहुत एक्सेसिवली अमाउंट अवेलेबल होता है, लाइक वो अगर 20-25 लाख ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे शुड प्रेफर लार्ज कैप, उनको लार्ज कैप में ही ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 20-60-20 रूल आप ऐसा समझ लो, जो मीडियम टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं यानी अप टू 5,000 डॉलर टू 6,000 डॉलर के जिनका पोर्टफोलियो रहता है उनके लिए अप्लाई रहता है, और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत कम है तो आप फिर स्मॉल कैप ही प्रेफर करो, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप डालोगे तो थोड़ा बहुत अमाउंट आ भी जाएगा, उस पर आपका जो लेस रिवॉर्ड बनेगा उसका कोई मतलब नहीं इतने टाइम तक होल्ड करने का। अगर आपका जो पोर्टफोलियो 6,000 डॉलर से ज्यादा का है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप ऐड करनी चाहिए, और मिड कैप आपको स्मॉल कैप कम ही करनी चाहिए। लार्ज कैप में आपको इसलिए बढ़ाना पड़ेगा फिर क्योंकि आपका अमाउंट काफी ज्यादा है। सो बेसिकली इट विल ये जो सिनेरियो होगा किस तरीके से किस में इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्मॉल कैप हमें डिस्कस इसलिए करने पड़ते हैं कि अगर आपको चाहिए कि लाइफ चेंजिंग जो गेन्स बनेंगे, मिड कैप से कुछ एक्सेप्शनल कॉइन होते हैं जो टॉप स्पॉट को फिल करते हैं और बहुत अच्छा एक्सेप्शनल रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में ये परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, यानी स्मॉल कैप से जो टॉप में आ जाते हैं इवन अपर मिड कैप की रेंज में भी आते हैं वो भी एक्सेप्शनली हाई रिवॉर्ड दे देते हैं, तो स्मॉल कैप में पैसा बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। सो 20-60-20 रूल के अकॉर्डिंग आपको 20% लार्ज कैप में रखना चाहिए, 60% मिड कैप में रखना चाहिए, 20% स्मॉल कैप में। ये बेसिकली इस वजह से अगर आप ज्यादा लार्ज कैप में अलॉट कर दोगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी स्टेगनेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो तो सेफ है, बहुत कम रिस्क है, लेकिन उसमें रिटर्न देने की कैपेसिटी नहीं, तो ऐसे पोर्टफोलियो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर 60% आप मिड कैप में रखते हो वहां पर मॉडरेट रिस्क होता है, रिस्क फिर भी रहता है और मॉडरेट ही रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी होती है। 20% इन स्मॉल कैप अगर चलेगा तो वही आपके सारे कॉइन से ज्यादा रिटर्न दे जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से अफेक्ट नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। प्रीवियसली हमने कौन से कॉइन्स डिस्कस किए थे उनको मैंने जो डिवाइड किया है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के अकॉर्डिंग दिया। पहले हमने 100x 100x से ज्यादा फोकस किया, तो वी हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ माइक्रो कैप कॉइन्स। सो बेसिकली ये जो कॉइन्स हमने पहले डिस्कस किए थे इनमें से एक कॉइन है जिसने डेवलपमेंट कंप्लीटली स्टॉप कर दिया और उन्होंने प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया, एंड दैट इज एलएफजी, ठीक है ना। सो एलएफजी कंप्लीटली जा चुका है और उसमें जो रिटर्न बचे हैं उसके हमने बोन में पोजीशन बना रखी है, नॉट सबने नहीं बनाई है, कुछ ने बना रखी है, जो भी अमाउंट बचा है उसको वहां से रिकवर करने के लिए। अदर देन दैट बाकी जो कॉइन्स हैं उनमें मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि ये इस कैटेगरी में आते हैं, मिड कैप में कौन से, स्मॉल कैप में कौन से, करंट में किस किस कॉइन के साथ इश्यूज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेलास के साथ इश्यूज हैं, वेलास में हमने पहले बिकॉज ये डिस्कस किया, ब्रैकेट में जो आपको रेंज दिख रही है वो है 0.022 डॉलर पर हमने डिस्कस किया था, अभी अगर देखो वो 0.008 डॉलर पे है और इसने लो मारा था 0.0056 की रेंज तक का, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, पहले हमने 50% अलोकेशन रिड्यूस कर दिया था, रिड्यूस करने का रीजन कॉइन का स्टेगनेंट होना था, और अभी कुछ इश्यूज हैं जो टीम के साथ हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीटली अबेंडन कर सकते हो, और यू कैन अलॉट दिस पर्टिकुलर अमाउंट इन अनदर कॉइन जो काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लो जो सेफ है और जिनमें रिस्क कम है और जहां से आपकी रिकवरी भी हो जाएगी एंड इट विल कम इन टू द प्रॉफिट ऑल्सो। इश्यूज क्या है टीम के साथ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इश्यूज ये हैं। पहले इसमें क्या हुआ कि पहले काफी टाइम तक टीम की तरफ से मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बाद जो चेंजेस हुए रिसेंट मतलब लास्ट 2 मंथ्स में, जो सीईओ था वो जा चुका था यानी उसने रिजाइन कर दिया, जो ओल्ड सीईओ था जिस पे पहले वर्क कर रहा था जिसके प्रेजेंस में इसने काफी ज्यादा ग्रोथ करी थी वो वापस आ गया, एंड उसके बाद इसमें ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ, तो इसको हमने प्रीमियम ग्रुप में दोबारा से डिस्कस किया था, 2x किया था, इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया था,
एक फ्री बैग बना दिया था और लेटर ऑन वी हैव डम्प्ट इट ऑल्सो। सो इसमें जो अभी करंट में टीम का इश्यू क्या है कि उन्होंने बोला कि ठीक है सीईओ ने वापस आने के बाद कि डाओ बनाएंगे इसको, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना देंगे एंड उसके बाद कम्युनिटी ड्रिवन बन जाएगा वेलास प्रोजेक्ट। लेकिन कई महीनों के बाद फिर फर्दर कोई अपडेट नहीं दी एंड आज की डेट में टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे इसकी कंडीशन ये है कि ना वहाँ पे फाउंडर है, ना कोई एडमिन है, ना कोई सीटीओ है, ना सीईओ है, कोई भी नहीं है एंड सिर्फ बोट बोट ही है। तो इस केस में ये ह्यूज रेड फ्लैग है। अब ऐसा हो सकता है कि 1% चांसेस के उसने हाइड कर दिया उसको ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो साइलेंटली उस पर वर्क कर पाए, बट क्रिप्टो में ऐसे रेड फ्लैग्स को हम जस्ट लाइटली नहीं ले सकते। सो इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस, मतलब रिड्यूस नहीं कह सकते, आप इसमें से एलोकेशन निकाल के दूसरे के मूव करना चाहो आप कर सकते हो, बिकॉज ये जो इश्यूज है जो टीम के साथ है वो काफी नोटेबल है और काफी ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो यू शुड नॉट अवॉइड दीज थिंग्स। पीवीआर हमने डिस्कस किया था 0.04 की रेंज में, अभी 0.03538 तक मारा, फिर वहीं के वहीं लगभग उसी रेंज में है। हालांकि इसके बाद ये काफी $1.3 तक पंप करा था, उसके बाद फिर फर्दर डाउन आया। ठीक है, इसमें जो इश्यू है वो ये है कि जब तक उस टाइम से लेके अभी तक इन्होंने जो भी डेवलपमेंट किए हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ऐसे कोई नोटेबल डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को कोई फायदा मिला हो। इन्होंने डिसेंट्रलाइज पी टू पी बनाया अपना जो पी टू पी फीचर, और उसका कोई यूज केस नहीं है आज तक, यानी वो यूज ही नहीं होता, और यूज नहीं होने के मेजर रीजन है जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है प्लस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंट्रीज की तरफ से, इसकी वजह से वो रूल नहीं हो रहा, वो उसकी वजह से वो यूज नहीं हो रहा। नेक्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी है दैट इज इसका जो इन्वॉल्वमेंट है एआईबीबी की टीम के साथ वो काइंड ऑफ सस्पिशियस है, बिकॉज एआईबीबी की टीम ने सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग से पहले अपनी लिक्विडिटी निकाली थी। ये प्रोजेक्ट था जो पीबीआर के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ था एंड उस सब होने के बाद भी इन्होंने $1 मिलियन की फंडिंग दी उनको इस तरह से, तो काइंड ऑफ आप ऐसा समझ लो कुछ ना कुछ इनका डीपली इन्वॉल्वमेंट एआईबीबी की टीम के साथ है। सो एक तरह से सस्पिशियस है। सो इस केस में अगर आप अलोकेशन रिड्यूस करना चाहो बिकॉज नियर बाय उसी रेंज में है तो आप रिड्यूस कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा करना हो अलोकेशन रिड्यूस नहीं करना, इफ यू वांट टू कीप इट, इफ यू वांट टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, तो उस केस में आपको ट्रीट इट एज इट इज, मींस अगर पीबीआर अभी स्मॉल कैप में है तो आपको स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग ही एलोकेशन रखना चाहिए एज पर 20-60-20 रूल। ठीक है, यूएफओ गेमिंग के साथ इश्यू क्या है कि इसका अभी कुछ टाइम पहले बर्न हुआ, इसमें काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म दोबारा क्रिएट हुआ, काफी डाउन गया उसके बाद, लेकिन अभी इस पे एसटी टैग दिखा रहा है क्यू कॉइन पे। एसटी टैग में ऐसा होता है कि उसके डीलिस्ट होने का खतरा रहता है। सो एक तो चीज ये हो सकती है कि आप अभी इसको सेल कर सकते हो, और अगर एसटी टैग हट जाता है तो उसके बाद इफ यू वांट टू रिकंसिडर इट यू मे रीबाय इट, एंड ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको सेल करके दूसरे का मूव करना चाहो यू कैन डू इट, बिकॉज अगर क्यू कॉइन से डीलिस्ट होगा तो फिर दोबारा इसके रिकवरी के में काफी ज्यादा इश्यूज रहेंगे, यानी काफी मुश्किल होगा इसके लिए कंपेयर टू विद हैविंग दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज एज ए प्लेटफॉर्म जहां पर वो लिस्टेड है, क्योंकि क्यूकॉइन टॉप में से आता है इस वजह से। ठीक है, एमजेटी में एक्सेप्शनल करेक्शन देखने को मिले थे, वो भी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जहां पे लिक्विडिटी एकदम से ड्रेन आउट हुई थी एंड रीजन वॉज ब्रीफली अनस्पेसिफाइड, टीम ने बहुत लेट रिस्पॉन्ड करा था उसके लिए, एंड आज की डेट में अगर देखोगे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आ गया है। सो यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में हमें सिर्फ उतना ही अमाउंट रखना चाहिए विच वी कैन अफोर्ड टू लूज, एंड इट वॉज ए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन फ्रॉम द बिगिनिंग। आप अगर पहले की वीडियो भी देखोगे तो वहां पे भी इसको एज ए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन ही पोर्ट्रे करा गया था। सो यहाँ पे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 20-60-20 रूल में आपको और भी कुछ कॉइन्स अगर ऐड करने हो तो ये कॉइन बहुत अच्छे प्रेफरेबल रह सकते हैं एज पर योर चॉइस, आप जो भी चूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो इनको सेलेक्ट करने के बहुत ही ब्रीफ रीजंस है, देखो ये जो भी कॉइन्स हैं ये सारे पहले डिस्कस करे जा चुके हैं प्रीमियम ग्रुप में, उसमें से मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ ये इसमें मोस्ट ऑफ द कॉइन्स। ठीक है ना, अब सारे कॉइन्स नहीं बता सकता लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स है वो आपको बता दे रहा हूँ। चेन लिंक के साथ इश्यूज भी हैं, और चेन लिंक में एक पर्टिकुलर सिनेरियो जिसकी वजह से चेन लिंक का दूसरा अल्टरनेट नहीं है। एक इश्यूज क्या है, इसके टोकन मिक्स के इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, एंड उसमें ये भी सिनेरियो था कि इसके अन रिलीज जो टोकन्स है उसको सेल करा गया था सेंट्रल एक्सचेंज पे, लेकिन विद सीसीआईपी फीचर एंड ऑनगोइंग जो आरडब्ल्यू नैरेटिव है जो नैरेटिव चल रहा है अभी उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो अगर आपके लिए कुछ सेफेस्ट बेट हो सकती है आरडब्ल्यू नैरेटिव को भुनाने की तो वो चेन लिंक ही है। एक एस्टेब्लिश्ड नंबर वन ओरेकल है एंड उसके साथ साथ
ये ऑलरेडी क्या है कि इसमें आरडब्ल्यूए वाला जो वाला फीचर, इसकी मेजर पार्टनरशिप हुई है कपल ऑफ बैंक्स के साथ एंड सीसीआईपी फीचर के साथ, ये एक मेजर मार्केट शेयर गेन करके रखेगा। वैसे अगर आप आरडब्ल्यूए नैरेटिव में देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स आजकल पंप भी कर रहे हैं, लेकिन हर उनमें मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आप देखोगे रियल में अगर देखोगे तो अभी अडॉप्शन नहीं हो रहा है रियल में, उनपे इतने ज्यादा टोकनाइजेशन नहीं हो रहे हैं, जस्ट नैरेटिव की वजह से जा रहे हैं, तो उनमें रिस्क बहुत ज्यादा है। नोटेबली आप देखोगे रियो नेटवर्क विच इज कॉल्ड रियो, एंड उसके अलावा देखोगे लैंड शेयर है, उसके अलावा एकता है, पॉलीट्रेड है, पॉलिक्स है, देयर सो मेनी आई कैन नेम लाइक 10 to 15। सो लेकिन उनमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है कंपेयर टू दिस वन, सो चेनलिंक विल बी द सेफेस्ट बेट, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। बाकी एक चीज और यहीं पे मेंशन कर देना, जो प्रीवियसली जो कॉइन्स हैं जो जिनके साथ इश्यूज है वो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी कॉइन्स में इश्यूज नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले मेंशन करके दिखाया है कि इनमें कौन से लार्ज कैप में है और कौन से स्मॉल कैप में है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, ऑप्टिमाइज कर लेना। कैसे? 20/60/20 रूल के अकॉर्डिंग। लार्ज कैप में मैटिक, फैंटम, माना, वीचेन, केक है, मिड कैप में एंजिन, आईओटीएक्स है, स्मॉल कैप वायोट, एवीए, ब्लॉकटोपिया, यूफो गेमिंग, वाइट, डिया, वेलास है, एंड माइक्रो कैप में सेल्फ्रेम, पीएसबी, एमजेटी, मैच टोकन है, एनएफटीबी, पीबीआर, बीआईटी एंड मार्स है। एनएफटीबी के लिए एक चीज और मेंशन कर दो, जस्ट आज की न्यूज है सिम्पसन्स ने जो एनएफटी के रिगार्डिंग एपिसोड ड्रॉप किया उसकी वजह से पूरी एनएफटी वाले जो प्रोजेक्ट एकदम से पंप कर रहे हैं, एंड दैट कुड रिजल्ट इन पॉजिटिव सिनेरियो फॉर एनएफटीबी आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये मैं आपको एडिशनल कॉइन बता रहा हूँ अगर आपको ऐड करना चाहो तो, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव वैसे आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मारा काफी टाइम से, लेकिन ये कॉइन हमने डिस्कस करा था नॉर्मल वीडियो में चैनल पर काफी पहले ही, काफी लोअर प्राइस पे, और उस टाइम पे ही मैंने कहा था कि बहुत अच्छा कॉइन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपसे मिस हो गया, देन दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रीमियम पोर्टफोलियो का भी पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया था, एंड रिसेंटली वी हैव ऑलरेडी डेड मोर देन 2x, एंड उसपे कुछ ने मतलब कुछ में हमने फ्री बैग बना भी लिया, एंड इंजेक्टिव वी हैव डिसाइडेड नॉट टू क्रिएट अ फ्री बैग। फ्री बैग क्या होता है, क्यों क्यों करना होता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अनदर वन इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट बेट अमॉन्ग ऑल द लेयर टूज। लेयर टू बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट है, ठीक है ना, इसमें आप देखोगे अगर लीड पे तो मैटिक ही है, उसके बाद आर्बिट्रम भी है, उसके बाद बेस नेटवर्क भी है, उसके बाद लूप रिंग है, ऑप्टिमिज्म है, देयर सो मेनी लेयर टू जो मार्केट में आर्किटेक्ट में फंक्शन कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म इसलिए बेस्ट बेट है बिकॉज ऑप्टिमिज्म की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप देखोगे तो बेस नेटवर्क ही भी ऑप्टिमिज्म की टेक्नोलॉजी पे ही बना है। बीएनबी ने अपनी जो लेयर टू है ओपी बीएनबी, वो ऑप्टिमिज्म के ही ओपन स्टैक को यूज करके बनाया है, हालांकि वो उसके सुपरनेट का भी पार्ट नहीं है, बाद में हो सकता है या नहीं होगा इस पर भी सस्पेंस है, लेकिन उसी का टेक यूज हुआ है। ठीक है, आर्बिट्रम के साथ प्रॉब्लम है, आर्बिट्रम आगे चल के आप देखोगे नियर मार्च में आप उसका टोकन अनलॉक्स पे देख सकते हो, एक मेजर अनलॉक होने वाला है विच विल क्रिएट द प्राइस डाइल्यूशन, एंड उसके अलावा अगर आप मैटिक में देखो उसकी रिब्रांडिंग हुई है, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड बेट इन लार्ज कैप, सो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया तो वी डोंट नीड टू मेंशन इट अगेन। लेकिन जेड के सिंह साइड चेंज एंड ऑप्टिमिस्टिक जो रोल अप्स हैं, यानी रोल अप ऑप्टिमिस्टिक रोल अप की कैटेगरी में ऑप्टिमिज्म लीड पे है, एंड इस टाइम इसके परफॉर्म करने के सबसे ज्यादा चांसेस है, सबसे अच्छी मार्केट शेयर लेने के, टोकन मिक्स वाइज नीट एंड क्लीन है, सो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो। कास्पा, कास्पा मैंने ग्रुप में भी मेंशन कर दिया था और इसको हमने प्रीमियम ग्रुप में लेटर ऑन कंसिडर किया था, पहले इसमें काफी कम डेवलपमेंट था प्रूफ ऑफ वर्क में होने की वजह से, अगर प्रीवियस बहुत पुरानी वीडियो देखोगे 8-9 महीने पहले की, तब उस टाइम पे इसमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, सो उस टाइम पे एक मॉडरेट ओपिनियन था, और आई टोल्ड कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा, इसको आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। जब इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ देन हमने इसको प्रीमियम ग्रुप में कंसिडर भी करा, वी हैव ऑलरेडी एडिट लॉन्ग बैक, इसके बाद मैंने ग्रुप में भी मेंशन करा था इसको एंड नॉर्मल पब्लिक ग्रुप में। सो कास्पा में बेसिकली चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं, अगर प्रीवियस आप परफॉर्मेंस देखो जैसे यूटीएक्सओ मॉडल पे बेस्ड जो चेंज हैं जिन लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आठ कार्डानो ने पहले स्पॉट फिल किया था, सो इस बार भी ऐसा होगा, देयर फ्यू कंटेंडर्स, वैसे तो सबको पता है कि कोई ना कोई तो फिल करेगा, लेकिन कुछ कंटेंडर्स हैं उनमें से इंजेक्टिव और कास्पा बहुत अच्छे कंटेंडर हैं जो टॉप स्पॉट को फिल कर सकते हैं एंड वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जो मैं बता रहा था कि कुछ मिड कैप के ऐसे भी हैं जो लार्ज कैप में पहुंचेंगे यानी टॉप स्पॉट को फिल करेंगे एंड एक्सेप्शनली हाई रिवॉर्ड दे पाएंगे, तो
तो कास्पा में जल्दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा समझ लो नेक्स्ट लाइट कॉइन वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कास्पा की वजह से। ठीक है, सो कास्पा इज नाउ मच बेटर बेट, और मच बेटर बेट, और इसमें जो इनका जो एनर्जी वाला जो प्रॉब्लम थी वो उसका उन्होंने सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड कर लिया। सो इट इज इन बेटर कंडीशन। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिड कैप में AGIX काफी अच्छी बेट है। सो AGIX तो नॉर्मली हमने पहले डिस्कस किया था, AI का कॉइन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। AKT आकाश नेटवर्क वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीमियम ग्रुप, इसमें हमने ऑलरेडी एक फ्री बैग बना लिया है ड्यूरिंग द मेननेट हाइप। सो आकाश नेटवर्क आप कंसिडर कर सकते हो, एनवीडिया के इसके साथ जो कोलेबोरेशन है दैट इज अमेजिंग। ठीक है ना, बिटेंसर मैंने ओपनली इसको डिस्कस किया ही था ऑलरेडी। बिटेंसर इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका जो टिकर है वो है टाओ। इसने रिसेंटली बहुत अच्छा पंप करा है और ऑलरेडी इसमें भी फ्री बैग क्रिएट हो चुका है। अनदर जो अच्छी बेट रहेगी वो बोन में रहेगी। बोन में वैसे हमारी ऑलरेडी पोजिशन है उसमें परपेचुअल में, बट अगर आप चाहो तो इसको स्पॉट में भी कंसिडर कर सकते हो इन मिड कैप कैटेगरी। और इसके जो रीजन है कंसिडर करने के वो मैं प्रीवियस वीडियो में बोन वाली में बता चुका हूँ, कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं जो आगे बोन से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, स्मॉल कैप में नाकामोटो गेम्स, इसका भी हमारे पास फ्री बैग है और ये हमने बहुत पहले ही डिस्कस करा था प्रीमियम ग्रुप में, और इसका फ्री बैग भी मल्टीपल एक्स पंप कर चुका है। फैब बेल्ट अभी भी काफी अच्छी बेट है और ये भी गेमिंग से ही जुड़ा हुआ है, इसमें भी फ्री बैग है। ठीक है, सो ये भी हमने डिस्कस करा था Q2 में। मेवरिक प्रोटोकॉल, एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो मेवरिक प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में समझ पाते हैं। मेवरिक प्रोटोकॉल AMM की मोस्ट एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो मेवरिक प्रोटोकॉल है, यानी जहां पे आप ऐसा समझ लो यूनिस्वैप जो अब वर्जन लेके आने वाला है, जिसमें वो कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी जहां पे उसके पास चॉइस होगी चूज करने के लिए डायरेक्शन, वो मेवरिक प्रोटोकॉल के पास ऑलरेडी है। सो वैसे अगर आप देखोगे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, एंड कुछ कम ही मतलब समझ पाने से मतलब ये है आपको बहुत डीपली एक बार पढ़ना पड़ेगा मेवरिक प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी को, तब आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट नेटवर्क एक्चुअली स्मॉल कैप में आपको मिल जाएगा और ये भी अच्छा पोटेंशियल रखता है, एंड इट इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज। आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। कुछ मस्ट हैव कॉइंस हैं, मस्ट हैव कॉइंस बेस्ड ऑन आगे जो नैरेटिव है उसके बेसिस पे। सो बेसिकली चेन लिंक सेफेस्ट बेट फॉर RW नैरेटिव। आई नो इश्यूज हैं, बट इसके अलावा आपको कोई सेफेस्ट बेट नहीं मिलेगी RW नैरेटिव के लिए। वैसे अगर आप चाहो तो कुछ रिस्की ऑप्शंस भी हैं, मार्केट में आकर पंप भी कर रहे हैं, आप चाहो तो उनमें से भी कंसिडर कर सकते हो और आपको सेवरल ऐसे अलग ऑप्शन इजिली मिल जाएंगे। अगर आपको सेफ चाहिए तो चेन लिंक है। दूसरा ऑप्टिमिज्म है, बिकॉज Layer 2 में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑप्टिमिज्म के करने के ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें टोकन मिस का कोई इश्यू नहीं है और ऑप्टिमिस्टिक रोल अप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बिटेंसर AI का कॉइन है, अनमार्शल डेफिनेटली अभी भी सेम पोटेंशियल वाला कॉइन है, एंड अनमार्शल 2.0 इन द ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग लॉन्च्ड, जिसमें वो स्टेकिंग बर्न एंड उसके अलावा चेन की भी बात कर रहे हैं, न्यू एम्बेसडर प्रोग्राम ऑल्सो एंड मच मोर फीचर्स। आप इसका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट कर सकते हो, वहां से आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। प्रॉफिट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में वैसे आप देखोगे तो कई सारी टेक्निक्स हैं। अब मैं सारी टेक्निक्स आपको नहीं मतलब क्लियर कर सकता, बिकॉज उसको डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा और सारी आपको सीखने में भी नहीं आएंगे एक तरह से। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो टेक्निक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आई होप सो आप इसको समझ पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, लेकिन वो भी उसमें भी आपको मार्केट की समझ होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना, मेकिंग अ फ्री बैग, मैंने कई बार इस वीडियो में मेंशन करा होगा फ्री बैग, फ्री बैग। सो आपको लग रहा होगा फ्री बैग क्या है। प्री बैग बेसिकली हम कंसिडर करते हैं जहां पे कोई कॉइन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में पंप कर जाता है, तो वहां पे हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेते हैं। मान लो कोई कॉइन है जिसमें आपने पैसा डाला, आपको लग रहा है थोड़ा सा रिस्की कॉइन है, उसने दो गुना किया, आपने अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया, तो वो आपका फ्री बैग बन गया, यानी अब जो बचा है उसका आपका फ्री बैग है, इसमें आपका 0% रिस्क है, एंड उसको आप ग्रो होने से फर्दर जहां तक जाता है, या फिर कितना अमाउंट निकालना ये भी कॉइन टू कॉइन वेरी करेगा, यानी प्रॉफिट प्रिजर्वेशन की टेक्निक कॉइन टू कॉइन वेरी करती है। ठीक है, फ्री बैग के कुछ फायदे भी हैं। फ्री बैग के फायदे ये हैं कि आप इसको बड़े आराम से टेंशन फ्री होल्ड कर सकते हो। कई बार होता है, बिकॉज ये जनरली एक सेइंग है, वी आर नॉट लॉस फियरिंग पीपल, वी आर प्रॉफिट फियरिंग पीपल। मतलब अगर हमें किसी में लॉस हो रहा होगा तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, जीरो जाएगा, आप इसको होल्ड ही करते हैं। ठीक है ना, या फिर हम जिद करके बैठ जाएंगे अब इस कॉइन से हमने लॉस खाया तो इसी से रिकवर करेंगे। ठीक है, और उस केस में हम क्या करते हैं,
विदाउट इवन एनालाइजिंग द कॉइन हम उसमें डीसीए करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर प्रॉफिट फियरिंग ऐसा होता है कि जहां पर हमें $10 का प्रॉफिट दिख रहा होगा तो वहां पर हम इतने उतावले हो जाएंगे कि देख नहीं पाएंगे और हमें लगेगा जल्दी से जल्दी बस बुक कर लो, पता चले डाउन ना चला जाए, ठीक है। सो बेसिकली हमें प्रॉफिट से डर लगता है। इन दैट केस फ्री बैग आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर फ्री बैग है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी आराम से होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको होल्ड ऑलरेडी लॉन्ग टर्म तक के लिए करना है। मार्केट में अगर ऑप्टिमिज्म की बात करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए प्री हालविंग पंप, यानी अप्रैल में हालविंग एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन ब्लॉक हाइट। सो अप्रैल 2024 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे कपल ऑफ मंथ्स पहले ही हमें जो प्री हालविंग के जो ऑप्टिमिज्म है मार्केट में वो दिखेगा। ऑल्सो उसके अलावा कई सारे नैरेटिव है, लाइक स्पॉट ईटीएफ का जो फोमो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, सो वो भी मार्केट में काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है, और नए और भी ऑप्टिमिस्टिक फैक्टर क्रिएट हो सकते हैं। जो मेजर बुल रन है विच इज एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड पोस्ट बुल, जो जो मैन है वो पोस्ट हालविंग के बाद ही, मतलब पोस्ट हालविंग ही दिखेगा, हालविंग हो जाने के बाद दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हालविंग हो जाने के बाद ही दिखे। इट विल टोटली डिपेंड ऑन द रैंडम फैक्टर्स। सो ऐसा भी हो सकता है कि हालविंग के आप सोचो कि हालविंग हो जाएगी उसके 1 साल बाद, 6 महीने बाद दिखेगा, वो एक्चुअली बुल रन क्रिएट ही होता है जब देर इज अ स्टॉर्म ऑफ न्यू बायर्स, जहां पे फ्रेश मनी इन्फ्लो होता है मार्केट में एक्सेप्शनली हाई अमाउंट में, जिसकी वजह से बुल रन क्रिएट होता है। जनरली वो होता है जब कोई एक नैरेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट को डोमिनेट करता है तब। सो दैट विल डिपेंड, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब तक होगा, हालांकि इस मैनर में एक्सपेक्टेड है। पार्सल प्रॉफिट बुकिंग विद असेंडिंग रीएलोकेशन। सो अगर आप फ्री बैग क्रिएट करते हो, इन्वेस्टेड अमाउंट निकालते हो उन इन दैट केस ऑल्सो, एंड उसी में यह बता रहा हूँ, अब जरूरी नहीं कि आप पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट ही निकालो, ये कॉइन टू कॉइन डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी में आपको सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% निकालना चाहिए, किसी में 50% ही निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट निकालते हो तो बेसिकली आप अपना जो रिमेन जो बैग है उसका जो पोटेंशियल है उसको भी हाफ में रिड्यूस कर देते हो, ठीक है ना। रिस्क तो कम होता है लेकिन पोटेंशियल भी कम होता है। तो किस कॉइन में कितना निकालना है ये आपकी खुद की मार्केट समझ में समझ होनी चाहिए। किसी में आप 25% निकालोगे, किसी में 50% निकालोगे, किसी में आप इन्वेस्टेड अमाउंट भी निकालोगे प्लस 50% प्रॉफिट भी निकालोगे, और किसी में कुछ भी नहीं छोड़ोगे, ना इन्वेस्टेड अमाउंट छोड़ोगे ना प्रॉफिट छोड़ोगे, आपको वो भी निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा किस कॉइन में आपको क्या डिसीजन लेना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग विद असेंडिंग रीएलोकेशन, अभी इनके कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने नाम दे दिए इस तरह से, इन टेक्निक्स के कोई नाम नहीं है, ये खुद के आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आएंगे। इस केस में क्या होता है, अगर आप मान लो कि आपने इन्वेस्टेड अमाउंट निकाला या उसका कुछ फ्रैक्शन निकाला, अगर आप उसको अभी विड्रॉ नहीं करना चाहते, आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपने स्मॉल कैप से इन्वेस्टेड अमाउंट निकाला है तो आप स्मॉल कैप में ही रीअलोकेट नहीं करोगे, आइदर उसको आप मिड कैप में अलोकेट करोगे या फिर आप लार्ज कैप में अलोकेट करोगे। और अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल रिस्क फ्री ऑप्शन चाहिए, सीधा उठा के बिटकॉइन में डाल दोगे, ठीक है, या फिर 50% आप बिटकॉइन में प्रिजर्व करोगे और 50% आप फर्दर असेंडिंग ऑर्डर में अलोकेट कर सकते हो, मच सेफर ऑप्शन। बिटकॉइन में डालने से मतलब है कि आप ऐसा समझ लो कि अगर 150,000 तक अगर बिटकॉइन विच सीम्स टू बी फिजिबल अगर वहां तक टच करता है तो आपको 4-5x का रिटर्न तो यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो जो प्रिजर्व हुआ है उस पर भी आपको 4-5x का रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, और हो सकता है 3x ही मिले, बट वहां पे आपका सेफ है, आपको कलेश नहीं होगी उसकी वजह से। और दूसरा, अगर आप मान लो आपने स्मॉल कैप से निकाला, दूसरे स्मॉल कैप में ही डाल दिया, तो हो सकता है वहां पर वो डूब भी जाए और आपका फिर वो निकालने का कोई फायदा ना रहे, यानी रिस्क मिनिमाइज करने का कोई फायदा ना रहे। सो बेसिकली या तो आप मिड कैप में डालोगे या फिर लार्ज कैप में डालोगे, एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड मार्केट का भी सिनेरियो क्या है, किस कॉइन में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इवेंट स्पेसिफिक सिनेरियो किस में है, एंड आपकी मार्केट समझ पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का डिसीजन लेना है। ये कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता, और ना ही कोई आपके पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी लेगा, ना ही आपके पोर्टफोलियो को कोई स्पून फीड कराएगा। सो इन दैट केस आपकी खुद की मार्केट की समझ ही आपको हेल्पफुल रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन मेकिंग करोगे। सो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाते टाइम चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एंड किस तरीके से आपको प्रॉफिट का अपने को प्रिजर्व करके रखना है, यानी प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है उसका सिनेरियो। आई होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।